सिमरन सिंह बिकॉज सिंह इज किंग ते मैं अमृतसर दी सिखनी ते अमृतसर दी बेटी सो सिमरन सिंह हाँ जी बिल्कुल है मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है दैट माय मेरी बुक एक मूवी बने और लोगों को इसकी कहानी पहुंचे इतनी सब रोशनी दुनिया की रोशनी को देख के आ गई मैं सब कुछ बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर दिया ऑब्जर्व कर करके दुनिया की इतनी समझ आ गई कि हाय रब्बा लिखी गई जय हिंद जय भारत दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला हम आपको जो पोस्टर देख रहे हैं आप ये देखिए डज लव एवर एंड और सिमरन सिंह तो आज सिमरन सिंह की ये पहली किताब है 2018 में आई थी लव स्टोरी थी आज हाय रब्बा के सेट पे यहाँ पे सब लोग पहुँचे हैं फिक्की फ्लो से तमाम नामचीन यहाँ पे गणमान्य घरानों से महिलाएँ पहुँची हैं तो आज हम सिमरन सिंह से बात करेंगे और जानेंगे हाय रब्बा तो हाय रब्बा के बारे में हम उनसे बात करेंगे और देख सकते हैं आप सिमरन सिंह अपने कम से कम जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं जितने भी यहाँ पे चेहरे हैं सब नामचीन चेहरे हैं और हाय रब्बा के प्रमोशन के लिए आए हैं तो हाय रब्बा के राइटर हमारे साथ है सिमरन सिंह तो सबसे पहले हम आपको जानेंगे सिमरन सिंह सिमरन सिंह सिमरन के आगे सिंह पहली बार ये सिमरन सिंह ये यूनिक है क्या सिमरन सिंह बिकॉज सिंह इज किंग ते मैं अमृतसर दी सिखनी ते अमृतसर दी बेटी सो सिमरन सिंह चलिए सिमरन सिंह जी ये बताइए पहली किताब आपने लव स्टोरी लिखी है कॉमेडी लिख डाली ड्रीम क्या है आपका लगता है बॉलीवुड में फिल्म आपकी किताब पे बने हाँ जी बिल्कुल है मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है दैट माय मेरी बुक एक मूवी बने और लोगों को इसकी कहानी पहुंचे ये कहानी क्या है हाय रब्बा में आपने अमृतसर की कल्चर पंजाब के कल्चर को आपने दिखाया जो करेक्टर हैं अपना भी नाम आपने ओरिजिनल लिखा है अंगद भी लिखा है रोशनी भी लिखी है तो इतनी सब रोशनी कहाँ से आई आपके इतनी सब रोशनी दुनिया की रोशनी को देख के आ गई मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर दिया ऑब्जर्व कर करके दुनिया की इतनी समझ आ गई कि हाय रब्बा लिखी गई हाय रब्बा लिखने में दिमाग बहुत लगता है तो आपके घराने में कोई पहले भी राइटर रहा है या खुद ही आपको लिखना लिखने से प्यार है लिखते लिखते लव हो गया लिखते लिखते एक्चुअली मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी और मेरा IAS का एग्ज़ाम आने वाला था सो मेरी पूरी तैयारी हो गई थी और एकदम से मेरे अंदर एक स्टोरी आई जो मेरा मन करा मैं लिखूँ मैं अपने पेरेंट्स के पास गई एंड मैंने कहा कि मुझे एक बुक लिखनी है तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लिख लो पर मेरे को ये नहीं पता था कि बुक लिखने में एक साल लग जाता है मैंने कभी वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया बिकॉज राइटिंग मेरे लिए सब कुछ बन गई एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतनी स्ट्रेंथ दी है इतना करेज दिया कि सिर्फ अपने ड्रीम को फॉलो करो और कुछ मत सोचो बट हाँ मेरे मम्मा ने एक बात बोली थी जो भी करना है उसमें बेस्ट बनना है तो जो भी करना है इतने दिल से करना और कोई ऑप्शन नहीं हमेशा बेस्ट बनना है लाइफ में खुद इतनी मेहनत करनी है सो ये मैं अपनी राइटिंग में दिल से हर चीज़ करती हूँ 215 पेज की ये किताब है कहानी आपने लिखी है चुन चुन के कहानी लिखी है अगर फिल्म बने तो हीरो और हीरोइन मन में क्या है कौन हीरो कौन हीरोइन क्योंकि ये जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ये कॉमेडी और शादी वगैरह कल्चर जैसे DDLG बनी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी तो ऐसे कौन सा हीरो और कौन सी हीरोइन आपके इस किताब पर फिल्म बने तो हों मेरा मन करेगा कि सिमरन का रोल आलिया भट्ट करे एंड अंगद का रोल रणबीर कपूर करे कौन करे रणबीर कपूर रणबीर कपूर और महेश भट्ट साहब कहाँ जाएंगे नहीं हम ये मूवी करण जौहर से बनवाएंगे चलिए आप दूसरी किताब आज की जी दूसरी किताब आज आपकी है फिक्की फ्लो के यहाँ पे लोग आए हैं कितना मेहनत कितने दिन में ये किताब तैयार हुई और कैसे आपने इसको कंप्यूटर पे लिखा कि कागज में उतारा जी ये मेरी 1.5 साल की मेहनत है और ये पहले मेरा लिखने का पैटर्न ऐसा है कि मैं अपने मोबाइल में टाइप करती रहती हूँ मेरे को जब भी कोई आइडिया आता है मैं जहाँ भी खड़ी हूँ बाहर कहीं पर डिनर कर रही हूँ मैं पहले अकेली बैठ के अपना आइडिया लिखने लग जाऊँगी बिकॉज जो आइडिया तो मैं आपको एक मोमेंट पे आ रहा होता है कभी कभी वो दूसरे मोमेंट पे आपके साथ नहीं रहता तो मैं उसी वक्त अपने आइडिया को लिख लेती हूँ एंड फिर मैं वापस आके अपने लैपटॉप में सब इकट्ठा करती रहती हूँ बट ज़्यादा से ज़्यादा बुक में अपने अपने मोबाइल पर टाइप कर लेती हूँ बिकॉज जो आइडिया आ रहा होता है वो कभी जाना नहीं चाहिए उसके बाद वो आइडिया कुछ और हो जाता है सो अपने हर आइडिया को संभाल के रखना ये एक राइटर को बहुत ज़रूरी चीज़ करनी चाहिए आपकी किताब लोग पढ़ें देश विदेश में अमेज़ोन पे है और ये कैसे होम सर्विस या डिलीवरी हो सकती है कुछ बताइए हाय रब्बा के बारे में हाय रब्बा की स्टोरी के बारे में हाय रब्बा किताब कहाँ मिलेगी हाय रब्बा अमेज़ोन पे अवेलेबल है
सो इट्स लाइव ऑन अमेज़न एंड जल्दी बुक स्टोर्स में भी आ जाएगी. सो दैट्स या आपको अमेज़न पे हैरब्बा बहुत आराम से मिल सकती है. थैंक यू. सिमरन सिंह हैं और सबसे बड़ी बात है कि फिक्की के यहाँ पे तमाम चेहरे हैं और आज यहाँ पर किताब की आज यहाँ पर रिलीज़ है. आप देख सकते हैं ये सब फिक्की फ्लो से जुड़े चेहरे हैं और आज अमृतसर की बेटी ने किताब लिखी है. आज अमृतसर की बेटी ने किताब लिखी है तो मोना सिंह, अमृतसर की बेटी ने किताब लिखी, मोना सिंह क्या कहेंगी? अमृतसर की बेटियों का क्या कहना, हाय रब्बा. आपने कहा तो चलिए. तो सिमरन सिंह कौर के बजाय उन्होंने सिंह लगाया और जो किताब आपने पहली पढ़ी इनकी, क्या कहना चाहेंगी कि ये कहती है कि फिल्म बने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हों? देखो सिमरन जो लिखती है ना वो दिल की बात लिखती है. आई थिंक सारे यूथ जो फील करता है या जो हम लड़कियां हमेशा से फील करती थी, कभी हमने उसको इतनी वॉइस नहीं दी. आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड मोर पावर टू हर, क्योंकि उसकी लिखाई में इतनी सच्चाई है कि अगर कोई बॉलीवुड मूवी बनती है तो वो ब्लॉकबस्टर बनेगी. चलिए मोना सिंह है और भी फिक्की फ्लो से हमारे साथ और भी यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हैं तो ये बताइएगा, हाय रब्बा हाथ में आपके, क्या कहना चाहेंगी? अमृतसर की बेटी ने किताब लिखी सिमरन सिंह. या वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर एंड विशिंग हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. आप कुछ कहना चाहेंगे? वी हैव नॉट रेड द बुक, इट सीम्स टू बी वेरी नाइस, विल रीड एंड लेट यू नो. चलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने सिमरन की फर्स्ट बुक पढ़ी थी एंड द डेप्थ शी हैड विद विच शी रोट अबाउट लव एंड अ ब्रोकन हार्ट. मैंने उससे बड़ी बार पूछा, हाउ डू यू नो द पेन ऑफ अ ब्रोकन हार्ट? सी नो इट्स जस्ट नेचुरल, इट्स जस्ट व्हाटएवर, बट आई मस्ट से फॉर अ वेरी यंग गर्ल शी इज रिटन अ लॉट विद अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हायो रब्बा. हायो रब्बा तो हायो रब्बा की धूम है, ये देख सकते हैं हायो रब्बा की यहाँ पे धूम है और सभी चाहती हैं कि सिमरन की एक फिल्म बने इस किताब पे और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उसमें काम करें, ये इनका ड्रीम है सिमरन सिंह का, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही सही ड्रीम है. सही ड्रीम है, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू, बहुत जल्दी होने वाला है. चलिए बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है ड्रीम. तो ये आज यहाँ पे बुक लॉन्च था हाय रब्बा, सिमरन सिंह से हमने बात की, इनके दोनों किताबों के बारे में बताया. सबसे बड़ी बात कि किताबों में लिखना और किताबों में लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़कर कोई अपनी फीलिंग अगर जब लेता है तो वही एक कहानी बन जाती है और कहानी सुपर डुपर हिट होती है और आज तक जितनी भी फिल्में बनी है कहीं ना कहीं किताबों से बनी है. तो अमृतसर चाहता है, सभी चाहते हैं कि अमृतसर की बेटी के इस हाय और रब्बा पे एक फिल्म बने और उसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हैं. स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की, देख रहे लाइव भारत, देखते लाइव भारत. जय हिंद, जय भारत. मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा अपनी हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और मर्दों के गुप्त रोग, बेऔलाद, फालतू चर्बी और बड़ा हुआ पेट घटाएं, बवासीर, यहां पर मिलेंगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां. मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट द्वाबा ऑटो, कचहरी रोड, अमृतसर. रोजाना मिले सुबह 11 से शाम 6 बजे तक. फोन नंबर 9592242673.